सुनो कविता। कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है, जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। जाने कौन सा गर्व लेकर चला आया तुम्हें ढूंढने, जरा सा छू सकता था हवा को, जरा सा ताक सकता था आसमान, पानी की नाप में नहीं नाप सकता था तुम्हें, डुबो लेता पैर सांझ ढलते ढलते, जरा सा भिगो लेता हथेलियां, लहर पर लहर आकर गिरी मैं भीगा नहीं, पेड़ हिलाते रहे हाथ खोले रहे बाहें, फुनगियों पर नाचती रही मुस्कुराहट, पत्तियां खड़खड़ाती रही सुन न सका, तनी हुई गर्दन का ऐंठना भी तय न कर सका ऊंचाई, पहाड़ की सबसे छोटी चोटी मुझसे कितनी ऊंची है, इतना सा ही तो जानना था मुझे, बस मेरी ही जिद थी सूरज से आंख मिलाने की, वरना उजाले में दिखता था सब साफ साफ, कुछ था ही नहीं जो छिपाया तुमने, तब किसे ढूंढता रहा, जाने कौन सा गर्व लेकर चला आया तुम्हें ढूंढने।